यहाँ पे लहसुन का अचार बना रखा है और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। हेलो हाय, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। करते हैं आज के खूबसूरत से ब्लॉग की खूबसूरत सी शुरुआत। आजकल हमारे यहाँ पर एप्पल प्रोसेसिंग लोकल स्थानीय लोगों का जैम, चट्टी, अन्य चीज़ें बनने के लिए आ रही हैं, जो हमारे यहाँ पर सारे फलों के तैयार होने के बाद लास्ट में राइमर तोड़ा जाता है, जो खट्टा 22 नंबर का फल माना जाता है। यहाँ पर लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना फल लाते हैं और हम मेकिंग चार्ज लेते हैं, इसलिए मैं आजकल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा एक झलक दिखाती हूँ कि हम नीचे किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं किस तरह से प्रोसेसिंग कर रही हैं। आइए मैं आपको ले चलती हूँ अपने प्रोसेस यूनिट में। ये है हमारे यहाँ पर आने वाला सेव, जो स्थानीय लोग लाते हैं राइमर, और यहाँ पे कर रही हैं एप्पल धोने के बाद इसको काट रहे हैं और आगे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पर से अभी जो कल से कृष्ण जन्माष्टमी है और हमारे यहाँ पर से अभी जो पहाड़ी छुलतिया नृत्य करते हैं वाद्य यंत्र पहाड़ों के शुभ अवसरों पर, उनको आमंत्रित किया जाता है, जो हमारी ग्राम सभा के द्वारा उनको आमंत्रित किया गया है। वो सड़क से एक छोटी सी झांकी निकाल रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। आइए आपको ले चलती हूँ। अभी ऊपर से कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आमंत्रित किए गए वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर से वो झांकी निकल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ छुलतिया नृत्य। लहसुन का अचार बना रखा है और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मटेरियल डालते वक्त मैं आप नहीं दिखा पाई। और यहाँ पे लहसुन, पहाड़ी लहसुन का, आपको मेरा अचार कैसा लग रहा है आप कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। ये है पहाड़ी लहसुन, तो अभी थोड़ा सा बचा है और इस तरह से हमने बना रखा है यहाँ पे लहसुन का अचार। ये है लहसुन का अचार। अब हम इसकी करेंगे पैकिंग, और कुछ हमने सुबह पैक किया और मैं उसको वीडियो नहीं बना पाई और कैसा लग रहा है। नीचे प्रोसेसिंग का काम चला है इसलिए महिलाएं सब वहां पे बिजी हैं और हम यहाँ पे अचार की पैकिंग कर रहे हैं, और इसको पैकिंग करने के बाद लेबलिंग की जाएगी और इसे अपनी शॉप में हम रख देंगे। और आपको हमारा अचार कैसा लगा आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। और यदि आपको अचार की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और आगे मैं किस तरह से अचार में मसाले और किस किस मात्रा में मिलाए जाते हैं ये सारी दिखाऊंगी। आजकल वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से
मैं ये सारी चीजें वीडियो कवर नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आजकल फलों में सबसे लास्ट में राइमर तोड़ा जाता है, तो हमारे यहाँ पे लगातार राइमर आ रहा है और हमें जल्दी जल्दी से लोगों के प्रोडक्ट तैयार करके देने होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे आए रहता है, और हम मैन्युफैक्चरिंग का चार्ज ले लेते हैं लोगों से। वो अपना सामान लेके यहाँ पे हमारी यूनिट पे देके जाते हैं और यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा इन प्रोडक्टों को तैयार किया जाता है। और लहसुन भी अचार कम था, लास्ट समाप्ति हो रहा था, कम था, इसलिए हमने आजकल लहसुन का अचार भी डाल रखा है। और नेक्स्ट टाइम जब हम अचार डालेंगे तो कोशिश करूंगी कि मैं पूरा वीडियो दिखा पाऊं। शाम हो चुकी है और मैं देती हूँ नर्सरी पे पानी, और पॉली हाउस के अंदर पानी की थोड़ा दिक्कत होती है और फिर से हमारे वहाँ पे आज पानी ही नहीं आया। और अब अभी यहाँ पे पानी डालने के बाद पौधों को थोड़ा पानी दे देती हूँ। पूरी नर्सरी ऐसे फिर सूखी हो रखी है। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।